नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फिर से आंदोलन की तैयारी। पंजाब के किसान संगठनों का आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ता जा रहा है। किसान संगठनों ने फिर गुरुवार से रेलवे का चक्का जाम करने और संभू बॉर्डर पर धरना करने की घोषणा की है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। संभू बॉर्डर पर संयुक्त रूप से दिए गए धरने को लगभग 4 माह बीत गए हैं। सरकार के रवैये से नाराज किसान फिर से धरना देने की तैयारी में है। यही नहीं, हरियाणा में भी किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर एक यात्रा निकालने की तैयारी में है। साथ ही आज किसान संगठनों ने प्रेस वार्ता करके आगे की क्या कुछ रणनीति है इसको लेकर भी जानकारी साझा की। पहले आपको सुनाते हैं कि किसान नेताओं ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, फिर इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। फसल की खरीदारी हो, हमारी मांग ये है। उन्होंने क्या किया, सरकार ने प्रोटीन वाइज जो किया जाता है उसी तरीके से एमएसपी की में बढ़ोतरी की है। अगर वो बढ़ोतरी की बात करें तो इंपॉर्टेंट बात उसमें ये बड़ी बहुत सीरियस बात है कि जिसको पूरे देश के अंदर ऐसे पेश किया जा रहा है कि बहुत कुछ दे दिया किसानों को सरकार ने, बड़ा मार्का मार दिया आते ही। लेकिन हकीकत ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण भारत के अंदर महंगाई की दर बढ़ी है वो लगभग 5.25% के आसपास है। तो जो उन्होंने हमारी फसलों का रेट बढ़ाया, खास तौर पर बाजरा जो लोग खाते हैं, धान, इनके ऊपर 5% यही बढ़ोतरी की है। तो कौन सा बड़ा काम कर दिया सरकार ने, जो उधर से रेट बढ़ा हुआ हमारा, जिसकी मार हमारे पूरे देश के लोग झेल रहे हैं उसी के हिसाब से वो बढ़ी। लेकिन किसान को उससे अलग जो पेस्टिसाइड, जो फर्टिलाइजर लेना पड़ रहा है, जो अलग से डीजल का अलग किसान के ऊपर बोझ पड़ता है वो उसमें कहीं पे भी अकाउंट नहीं किया जाता। तो इसके हिसाब से ये कोई किसानों को देने वाली बात नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि ये तो किसानों के साथ एक तरह का पूरे देश के किसानों के साथ धोखा है। जो एमएसपी अनाउंस की जाती है, जिसको ये कहा जाता है कि इतनी एमएसपी दे दी, एमएसपी की वो देने का तभी फायदा है अगर उसके ऊपर किसानों की फसल की खरीदारी की गारंटी हो, खरीदी जाए, बिक जाए, तभी तो किसान को फायदा है। नहीं तो एमएसपी अनाउंस करना, वो तो पहले भी होता है, हमने देखा है पिछले समय कपास नरमे के ऊपर एमएसपी का जो था वो लगभग 500-1400 रुपये रेट था उसका, लेकिन बिक रहा था किसान का 4,000-4500 में, उसका क्या फायदा हुआ। तो इस एमएसपी की गारंटी का कानून हो, ये बिल्कुल हम दोनों फोरमों की तरफ से इसको पूरी तरह रद्द करते हैं। ये कोई देने वाली बात नहीं, किसानों से कुछ लिया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है देश के किसानों के साथ। कि हम 2 जुलाई को विपक्ष के और एनडीए के वो पार्टी के एमपी साहबान जो भाजपा ने को छोड़कर है, सभी को हम एक डिमांड चार्ट हमारे मेमोरेंडम देंगे। एनडीए के जितने भी भाजपा को छोड़कर जितने भी एमपी हैं और विपक्ष के जितने भी एमपी हैं, सभी को वो हमने अपना मेमोरेंडम देने की बात कही थी 2 तारीख को। लेकिन वो ये बात आई है कि उस दिन सरकार, सभी एमपी वहाँ पे होंगे, उनका सेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से उसकी डेट हमें चेंज करनी पड़ रही है। वो अब 8 जुलाई हम डेट दोबारा फिर से सेट करने का प्रयास किया कि 8 जुलाई को हम अपना काम बुक करें। कि पंजाब के किसान संगठनों का आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ता जा रहा है। किसान संगठनों ने फिर गुरुवार से रेलवे का चक्का जाम करने और संभू बॉर्डर पर धरना करने की घोषणा की है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। संभू बॉर्डर पर संयुक्त रूप से दिए गए धरने को लगभग 4 माह बीत गए हैं। सरकार के रवैये से नाराज किसान फिर से धरना देने की तैयारी में है। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भी होना है, ज्यादा समय उसमें बचा भी नहीं है। इसको देखते हुए किसानों को लगता है कि अगर अभी से आंदोलन देंगे तो कहीं ना कहीं अगर सरकार मांगे नहीं मानती है
तो उससे सरकार को काफ़ी नुकसान होगा हरियाणा के चुनाव में। यह भी एक वजह सामने आ रही निकलकर। हालांकि किसानों का कहना है कि हम धरना पहले दे रहे थे, उसको भी लगभग 4 महीने हो गए हैं धरना खत्म किए हुए, लेकिन अभी तक सरकारों ने कोई मांग हमारी नहीं पूरी की है। इसके लिए किसान आक्रोशित हो रहे हैं। साथ ही किसान नेताओं का यह भी कहना है कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन के जो भी नेता हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम आपका साथ देंगे, तो जुलाई में उनसे भी बातचीत किसान कर सकते हैं और फिर उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि पंजाब के किसान संगठनों का आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ता जा रहा है। किसान संगठनों ने फिर गुरुवार से रेलवे का चक्का जाम करके और संभव बॉर्डर पर धरना करने की घोषणा की है। किसान नेताओं का यह भी कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। संभव बॉर्डर पर संयुक्त रूप से दिए गए धरने को लगभग 4 माह बीत गए हैं। सरकार के रवैये से नाराज किसान फिर से धरना देने की तैयारी में हैं। यही नहीं, हरियाणा में भी किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर एक यात्रा निकालने की तैयारी में है। साथ ही आज किसान संगठनों ने प्रेस वार्ता करके आगे की क्या कुछ रणनीति है इसको लेकर भी जानकारी साझा की। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। प्रदीप भटनागर जी बीजेपी से हैं, स्वामीनाथ जायसवाल जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, स्वामी इंद्र जी हैं किसान नेता हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत स्वामी इंद्र जी आप ही के साथ करेंगे। स्वामी इंद्र जी, आगे की रणनीति क्या कुछ है, अभी आपकी कौन सी मांगे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर रही, समझेंगे आपसे। देखिए संदीप जी, लगातार किसान 128 दिन हो गए आज हमारे को धरना दिए हुए पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर, भले जंगू बॉर्डर हो भले वो किन्नौरी का बॉर्डर हो, किसान लगातार शांतिमय तरीके से गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। और जब आपको मालूम है 13 महीने लगातार किसानों ने दिल्ली की दहलीज पर बैठकर आंदोलन किया, 750 से ज्यादा हमारे किसान वीरगति को प्राप्त हो गए। उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज फिर प्रधानमंत्री हैं भारत सरकार के, उनने किसानों से वादा किया कि MSP है, MSP थी, MSP रहेगी, उसके लिए मैं सशक्त कानून बनाऊंगा और खेती को जो है लाभकारी मूल्य से जोड़ूंगा। यानी कि 2022 जो उन्होंने वादा किया था किसान की आय दुगनी हो जाएगी, ना तो हमारी आय दुगनी हुई ना ही किसान की मांग हुई जी। और आप हैरान होंगे कि जब किसानों को लगा पता सरकार ने लोकसभा पटल के ऊपर किसान के MSP के मुद्दे के ऊपर चर्चा ही नहीं की, ना उस मुद्दे को रखा, ना बिल पेश किया गया, तो किसानों को मजबूरन आंदोलन फिर शुरू करना पड़ा दिल्ली से, की जगह किसानों ने पंजाब से आंदोलन शुरू किया और दिल्ली जाना चाहते थे। रास्ते में हरियाणा बॉर्डर पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर, हरियाणा सरकार ने मिलकर किसानों का रास्ता रोकने का काम किया और आज वही किसान खड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस आंदोलन के दौरान हमारा एक युवा साथी शुभकर्ण आज हमारे बीच में नहीं है। 5 किसानों की आंखें जा चुकी है, वो आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा होगा ड्रोनों द्वारा किसानों के ऊपर जो शेलिंग की गई, बम फेंका गया, उस समय किसानों का जो नुकसान हुआ है आप और हम बेहतर जानते हैं। और आज भी आप हैरान होंगे कि इस दौरान आंदोलन के दौरान किसानों की सरकार की लगातार वार्ता जी। पर सरकार ने 4 वार्ताओं के अंदर भी किसानों के साथ किसी प्रकार की सहमति प्रकट नहीं की जी। और आपने देखा होगा किसानों ने लगातार पंजाब में 35 दिन से अधिक ट्रेनें रोकी, उसके अंदर भी कोई समाधान निकलता नजर नहीं आया। और आज हमारे युवाओं को जब किसानों ने अपना आंदोलन, ट्रेन रोको वाला आंदोलन वापस लिया, हरियाणा प्रदेश हो, पंजाब हो या अन्य राज्य हो, उन राज्यों के अंदर किसानों के आंदोलन को वापस देने के बाद किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। उन किसानों को जो किसान हमारे युवा आगे बढ़ रहे थे, उन युवाओं के साथ जो है बदसलूकियां हो रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ 3rd degree का जो है टॉर्चर किया जा रहा है, उन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई, प्रेस वार्ता हुई। किसानों ने इस वार्ता में सरकार को सीधा सीधा बताया कि अगले महीने की 17 तारीख को या 17 जुलाई को हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान अपनी जो है गूंज करेंगे और अंबाला के जो DC महोदय हैं उनके वहां घेराव करेंगे, अपना मांग सरकार लेकर हम करेंगे। और अनेक प्रकार की जो है हमारी रणनीति के ऊपर चर्चा हुई है, तो हम लोग आश्वस्त है कि अपने
के ऊपर की जितनी ही सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार को मजबूत करने का हम काम करेंगे। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी आवाज आ रही है आपको? भटनागर जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? भटनागर जी, किसान लगातार लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, काफी परेशान दिख रहे थे किसान। सरकार ने चर्चा भी की कि हम किसानों का साथ देंगे, जो भी मांगे हैं पूरी की जाएंगी, हर तरीके से सहयोग किया जाएगा, लेकिन अभी किसान परेशान है। माननीय किसान नेता जो बोल रहे थे, मैं सुन रहा था और बड़े विस्तार से सुनी हुई मैंने उनकी बात, और उन बातों को मैं विश्लेषण थोड़ा सा करना चाहूंगा। हो सकता है शायद बुरा भी लग जाए और मैं चाहता हूँ शायद थोड़ी सी समझ में, देखो कि तीखी बात थोड़ी समझ में आती तो है मगर थोड़ा सा दिक्कत होती है सामने वाले को। मंच पर बैठे हैं जो किसान नेता कह रहे थे कि किसान कानून की बात, फसलों के जो कानून की बात, आप जिस कानून के बारे में आज आप कह रहे हैं, जिस कानून का रोना रो रहे हैं, उस कानून को माननीय प्रधानमंत्री जी लाए थे, जो आपने अपने आंदोलन से हटवा दिया और उन्हें किसानों से माफी मांगा जी, समझा नहीं पाए। आज उन्हें आज आपको फिर वो कानून याद आ रहे हैं, जो कानून बनाए ही उन गरीब शोषित पिछड़े किसानों के लिए थे जिन्हें बेनिफिट मिल पाए जी, मगर वो कानून आपको मंजूर नहीं थे वापस लिया। अब आप आई एमएसपी के कानून की, और वो एमएसपी भी कानून बनाया गया था जी, और एमएसपी के रोने, मगर क्या था कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो किसान नेता बैठे हैं जी, जिन फसलों के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या उन फसलों पर कभी स्पष्ट करके बताते हैं कि पंजाब में कौन कौन सी फसल उगती है और बिहार में कौन कौन सी उगती है, उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सी फसल उगती है, महाराष्ट्र में कौन सी फसल उगती है? अगर बात सरकार ने करी तो सारे फसलों के ऊपर करी जी, मगर मेरे पंजाब के किसान जो उन बेनिफिटों पर चाहते हैं, जो किसान जो वहां बैठे हैं, जिन चीजों को वो एक साल में दो या तीन बार केवल, क्योंकि जो पंजाब साइड के हैं वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि देखना भी चाहिए, क्योंकि पंजाब के अंदर कुछ दालें ऐसी हैं जो पूर्वांचल में या कलकत्ता में उगती हैं या उड़ीसा में है, या उड़ीसा में है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो बेनिफिट है, उससे कोई बात नहीं करता ना। आज तक कोई किसान नेता उस एमएसपी पे या उस चीजों पे कभी नहीं आया। सरकार ने 14 फसलों पे अगर बढ़ाया, अगर उन्होंने एमएसपी और बताया भी, पहले किसलिए बैठे थे कि एमएसपी ने दिखाया, क्या आप कभी जनता से पूछते हैं कि एमएसपी तो बढ़ेगा किसानों का, जो 140 करोड़ जनता है उनको क्या मिलेगा, क्या उनकी कोई बात नहीं करेगा? जो आपकी बात सुनने में लगे, आपके धरने को देखने में लगे, अभी एक और बात कह रहे थे जी, कि हमने शांतिपूर्ण अपने क्या नाम प्रदर्शन करा और हमने जी, भाई जो रोड टैक्स देता है उसे रोड पर चलने का है, आप उसका रोड नहीं रोक सकते, और कानून का काम है उनको समय पे कानून उनको रास्ता देना, तो इन चीजों को भी आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमने कोई जंगल नहीं घेरा, हमने जनता की रोड घेरी। हमने दूसरी चीज एक चीज और कर रहे थे, आंसू गैस और ये शेलिंग की बात कर रहे थे। अरे साहब, वो जो सिपाही और जो बेचारे अधिकारी खड़े हैं वो भी तो किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, वो भी तो किसी के रिश्ते में कुछ रखते हैं। जिस प्रकार से आपने उनके ऊपर शेलिंग करी, पत्थरबाजी करी, आपने उनसे गोली तक चलाई और एक बड़ा अधिकारी तक उसमें मारा गया, क्या उस पर आंसू नहीं है? वो देश के नागरिक नहीं है? तो सब चीजों पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। देखिए अब कहावत है कि एक बार क्या हुआ, बीरबल ने सॉरी राजा बादशाह अकबर ने छोटे बहुत 2 मिनट सुना रहे सेकंड बाद बादशाह अकबर बोले बीरबल से, यार बीरबल हाँ मुक्का गुड़गुड़ा रहे हो और पतंगा निकले आपका, एक तेरी दाढ़ी में और एक मेरी गाड़ी में लग जाए, तो सबसे पहले किसकी गाड़ी बुझेगा? तो बीरबल बोले सबसे पहले आपकी गाड़ी बुझा के मैं फट से सर आपकी गाड़ी बुझा दूंगा। बोला मेरी गाड़ी तो फूक जाएगी। नहीं नहीं सर, मैं एक बार गाड़ी बुझा दूंगा आपकी और आपकी अपनी बुझा दूंगा। तो बीरबल ने अपनी बात यही रिपीट करते रहे बार बार, अपनी बड़ी होती है उस पर नहीं आते। अरे युवाओं की बात कर रहे थे, किसान युवाओं की, क्या उन किसान युवा नेता जो बना के आपने जो लेके आए हुए थे अंबाला बॉर्डर पे, वो किस प्रकार से वापसी शेलिंग कर रहे थे, हर चीज का एक फौजियों की तरह एक वापसी का जवाब दे रहे थे, क्या आपको लड़ते हुए शोभा देता है? आप उन युवाओं को आपको रोकना चाहिए कि वो आने वाले देश की पीढ़ी है, आप उनसे वहां पत्थरबाजी
पतंग उन्हें छुड़वा रहे थे, आप पतंग उड़वा के उनसे ड्रोन भी गिरवा रहे थे, किसके लिए थे? उनके लिए थे, हड़दंग को बचा अगर होते वो हड़दंग होने से, पर देश की मीडिया ने वो स्पष्ट दिखाया दी, ठीक है आपको जवाब देना चाहिए। ठीक है भटनागर जी, मैं लगातार राज खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, आपने कही 750 किसान, आज तक किसानों को लिस्ट नहीं मिल पाई 750, कोई 800 किसान कहता है, कोई 900 किसान कहता है, कोई 750 कहता है, 600 कहता है, यही आज तक विपक्ष और ये दल जो है किसान नेता स्पष्ट नहीं कर पाए, और ये कह रहे हैं कि उनको थर्ड डिग्री किसान के नाम युवाओं को दिया जा रहा है, मारा जा रहा है। अरे किसान भैया, आपने बैठा रखे उन युवाओं को और उन युवाओं के इंटरव्यू तक मीडिया ने दिखाया कि हम तो जी आंदोलन में लेके आ गए, हम तो याद तो है चले जाए, समझती क्या होती है क्या नहीं होती है सरकार, उन किसानों के शोषित किसानों के बारे में सोच रही है जिनसे 2 बीघे 4 केवल जमीन है और उनको फायदा मिले, और माफिया किसान बैठे हैं कह के कीले जमीन लेके, वो उन चीज को देख रहे, छोटे किसानों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई नहीं सोच रहा, ठीक है, और माननीय प्रधान ने बात किया भी तो उसको इन्होंने खारिज कर दिया। ठीक है, ठीक है भटनागर जी, आगे भी स्वामी ने सवाल दिया, आवाज आ रही है आपको? जयसवाल जी चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयसवाल जी, थैंक यू, नमस्कार। देखिए जयसवाल जी, जो किसान आंदोलन लगातार कर रहे थे, कुछ मांगे थी जो सरकार नहीं मान रही थी, लेकिन अभी भटनागर जी को शायद सुना होगा आपने, उन्होंने कहा कि सरकार जो छोटे किसान हैं, जिनकी पूंजी छोटी है, जमीन कम है, उनके लिए सरकार सोच रही है, लेकिन जो ऐसे किसान हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या सोचना, कैसे देखते हैं आप? संदीप जी, ऐसा है जी, भटनागर जी को जो चश्मा लगा के देखते हैं जी, वही छोटे बड़े में लोग अंतर है, तो बड़े पूंजीपतियों को ध्यान देते हैं, किसान के लिए तो 3 काले कानून जो लाया गया था वो किसान के हितकारी नहीं था, मैं सुन रहा था इनका, वो किसान का हितकारी नहीं था, इनके अडानी हम अंबानी कंपनी के लिए वो हितकारी था, जिनको 16 लाख करोड़ रुपया लोग दे दिए 22 पूंजीपतियों को, और किसान का लोन माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं रहता है। जब किसान का कानून बनाने के लिए जब वापस लिया गया कि कानून लाया जाएगा और कानून में एक कमिटी गठित कर उसमें पूरे फसलों पे MSP लागू किया जाएगा, जहां जहां जिस स्टेट में जो जो फसल उगता है उस पे प्राथमिकता देते हुए उस कानून में वहां के किसानों को सदस्य बनाया जाएगा, उसके बाद उस पे MSP लागू किया जाएगा। लेकिन ये खाली जिस तरह से बोल रहे हैं युवाओं को लाके हुड़दंग करते हैं, हुड़दंग तो आप लोग करते हो, साथ 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 दिल्ली में आपके है, पानी का है, तो खाली केजरीवाल पर चढ़ रहे हो, अरे पहले चढ़ो, देश के किसी भी तकलीफ आता है सबको मिलकर पानी का त्राहिमाम हो रहा है, चाहे हरियाणा आपकी सरकार है नहीं दे रहे हो पानी, तो ये तरह का जिस तरह से आज ये लोग चढ़ने का काम करते हैं, किसान क्यों आंदोलित हो रहा है? 770 किसान के शहादत के बाद भी किसान कानून क्यों नहीं आया? वही किसान हरियाणा पंजाब में और उत्तर प्रदेश में दिखा दिया कि आपकी नीति और नियत किस तरह का था, जिसका जवाब माकूल दिया। तो आप भी सुधर जाइए, किसान को उनका जो MSP लागू है लागू करना है जी। ठीक है जयसवाल जी, किसान को बुलाकर जी, अरे भैया हम तो अभी बोलना शुरू किए, भटनागर जी आएंगे, अभी आएंगे भटनागर जी, अभी मैं तो बोला भी नहीं। जी जी बोलिए बोलिए। तो पहले कानून की बात करते हैं, जो कहते हैं करते नहीं, मोदी जी बड़े बड़े लफाज फेंक देते हैं, किसान आंदोलन क्यों करता है? बार बार किसान को मजबूर, उनको आतंकवादी खालिस्तानी कहने वाले यही लोग हैं, जिस तरह से बुलडोजर उन पर चलाते हैं, जिस तरह से आतंकवादियों के तरह व्यवहार करते हैं, तो किसान देश का अन्नदाता, अगर अन्न नहीं देगा तो हमारा भी आवाज नहीं निकलेगा, भटनागर जी का भी नहीं निकलेगा, तो किसान के बेटा ही जवान देश का प्रहरी बनते हैं, उनके लिए अग्निवीर योजना ला दिए और किसान के पेट पर वार करने के लिए पूंजीपतियों का हाथ और मोदी जी का साथ, यही तो देश में चल रहा है, इसी का तो जरूरत है। अभी तो थोड़ा सा किसानों ने दिखाया इनके अहम और अहंकार को तोड़ने के लिए दिखाया एक ताकत को, अब किसान के और युवाओं के साथ खेलने का काम मत किया करे सरकार। सरकार जो दायित्व का निर्वहन है किसान की, पूरे प्रदेश के किसानों का जहां जहां फसल है उसके ऊपर MSP का एक चर्चा करना चाहिए, बैठक करना चाहिए, MSP लागू कर उनके फसल, कई स्टेट में कई तरह का, कई बार कई स्टेट में धान बुआई 3-3 बार 2-2 बार होता है, तो हर जगह जैसे ये लोग 3650 रुपए में बोल के आए थे छत्तीसगढ़ में धान देंगे खरीदेंगे, 1400 रुपए में सिलेंडर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश राजस्थान में दे रहे थे, तो कहते हैं करते नहीं है, क्योंकि इनके भिन्न बात में बोल देते हैं तो चुनावी जुमला होता है,
हम दो लोग को ठगने के लिए कार्यक्रम लेके आते हैं, ठगते हैं, चुनाव जीतते हैं, भूल जाते हैं कि जनता का तकलीफ क्या है, किसान क्यों 1 लाख रुपया के लिए फांसी लगा रहा है, 60-70 किसान डेली क्यों मर रहा है, यही शासन में न मर रहा है, इसी शासन में तो 13 महीना तक किसान आक्रोशित रहा और 770 किसानों शहादत, अजय कुमार टेनी का बेटा गाड़ी चला देता है और वो मंत्री बने रहते हैं, उनका प्रचार करने प्रधानमंत्री गए तो भी हार गए हो, तो ये देश के लोकतांत्रिक संविधान में बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री किसान जवान और युवाओं के लिए नहीं, गरीबों श्रमिकों के लिए नहीं सोचेंगे तो बड़े पूंजीपतियों के लिए सोचने के लिए नहीं सरकार में सत्ता में बैठाया जाता है, गरीब जो है उसको अहम कड़ी में जोड़ने के लिए बैठाया जाता है। ठीक है जसवाल जी, प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिए आप। कोई बात तर्क विचार की बोली हो तो जवाब दोगे, अब लोगों को खुद ही नहीं पता आ और बा क्या होता है जी। मैं क्या जवाब दूं ऐसे आदमी का जिसको लग रहा है काले कानून, आज भी काले कानून लग रहा है, जो किसान नेता बैठे वही किसान वही वो कानून के लिए बोल रहे हैं और रो रहे हैं। आज इन्हें क्या कहा है तुमने, अभी रोज जो है 60-65 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये मुझे एक राज्य का बता दे 60-65 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे शर्म नहीं जरा से नहीं आती है, बैठ के देश को बरगला रहे, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, कहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या आपके शासन में करते थे श्रीमान, कभी महाराष्ट्र में, कभी उड़ीसा में, कभी तमिलनाडु में, वो दिन भूल रहे। अरे तमिलनाडु के किसान आकर मिलने के लिए यहाँ पर बेचारे गर्मी के बाद जसवाल जी आएंगे, एक एक करके बोलिए, समझ में नहीं आएगा है ना जसवाल जी, झूठ बोल रहे हैं आपको, मैंने सुना आपको, मैंने प्लीज बोले दीजिए मुझे, यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं। अरे तो झूठ बोलोगे, ये कह रहे हैं चैनल पर खुद बोलोगे, मेरे बीच में झूठ बोलोगे, किसान की बात करते हो, किसान है। जसवाल जी देखिए एक ही करके बोलिए जसवाल जी, तमिलनाडु कर्नाटक केरला के झूठे कहीं के मकान आएंगे, जिस तरह से मोदी से मिलने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए किसान के झूठे ने किसान के प्रियंका ने झूठे वही शिवराज चौहान, वही शिवराज चौहान तो अभी किसान के लाइन में लगे हुए कृषि मंत्री बने हैं, वही जो पिक्चर बनाए थे किसानों के ऊपर, किसान आंदोलन को हवा देने में, वही किसान के जो इस मध्य प्रदेश में खड़गोन में चलाने वाले आज कृषि मंत्री बने हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। आप जैसे किसान ने किसान विरोधी सरकार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों का साथ बड़े पूंजीपतियों का हाथ, यही तो आप लोग का साथ चल रहा है। भारी मतों से राहुल गांधी को जिताया, आज राहुल गांधी वहां से छोड़ के भाग रहे, फ्रेंड छोड़ शर्म लिहाज भी जरा गुस्से का बहस कर रहे बैठ के। ठीक है भटनागर जी आएंगे भी, भटनागर जी जसवाल जी आएंगे भी, आएंगे भी भटनागर जी आएंगे भी, मैं किसानों के मुद्दे पर दोबारा आना चाहता हूँ, मेरा समय खराब करा इन्होंने, किसान का मतलब क्या बोलोगे, वही कृषि मंत्री सुन लीजिए जसवाल जी, सुन लीजिए कम से कम, जसवाल जी एक एक करके बोलिए, जसवाल जी आएंगे आपकी बारी में बोलना, जबकी बारी आएगी तब बोलना, जसवाल जी आएंगे भी, जसवाल जी आएंगे भी, जसवाल जी आएंगे भी, सुन लीजिए जसवाल जी, सुन लीजिए आएंगे भी, संदीप जी क्या किसान को बोलने का मौका मिलेगा जी, मिलेगा अभी आप ही के पास आ रहे हैं, जल्दी से बात पूरी करिए भटनागर जी आप। बिल्कुल बिल्कुल, जैगवार वाले किसान बैठे हैं, बिल्कुल मौका मिलेगा। सबसे बड़ी चीज ये कांग्रेस कभी स्पष्टीकरण या कई जो भी सवालों पर बात नहीं करती है, सबसे बड़ी समस्या ये भी आके अपना समय पूरा कर जाएगा, तो अगर मुद्दों पर भी बात नहीं करी किसानों पर बात नहीं करी, मैंने कितने बड़े सवाल कितने सवाल दुबे, मैंने उड़ीसा बोला, पश्चिम बंगाल बोला, पंजाबी किसानों के बारे में बोला, उसमें कोई जवाब आया नहीं। ठीक है भटनागर जी आएंगे, बस 30 सेकंड में आते हैं, भटनागर जी भी आएंगे, भटनागर जी आएंगे। स्वामींद्र जी देखिए जो स्थिति बनी हुई अभी सरकार और किसानों के बीच, अगर चीजें सही नहीं होते हैं तो आगे की रणनीति क्या कुछ होने वाली है? देखिए पहले भटनागर जी का जवाब देना चाहता हूँ, इन्होंने बोला कि किसानों को बरगला रहे जी, इन्होंने बोला कि किसान जो सड़कों पर बैठे हैं, इन्होंने बोला कि किसान जो है देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ भारत का किसान राष्ट्रवादी किसान है, हमने देश के जिसके लिए अनाज उगाते हैं और अनाज को उगाने के बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को 5 करोड़ अनाज मिलेगा है ना, वो किसान के दूसरी बात आता हूँ, देश के मेधावी छात्रों तक वो पीडीएस का अनाज जाता है जिन्हें मिड डे मील मिलता है, और देश की सीमा पर बैठे हमारे फौजियों तक
वो अनाज जाता है वो किसी अडानी अंबानी के गोडाउन से किसान के खाते से किसान के खेत और खलिहान से उतर जाता है। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ, क्या लोकतंत्र के अंदर अपनी बातें रखने का क्या किसान को अधिकार नहीं है? जब आप विपक्ष में थे तो आप टेंडर ले घूमते थे, जब आप विपक्ष में थे तो आप देश के अंदर तमाम मुद्दों को लेकर बात करते थे, और जब आप विपक्ष में थे, आज जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो खुद कपड़े उतारकर और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नैर सिंह सैनी जी कपड़े उतारकर एमएसपी की गारंटी को लेकर आंदोलन करते थे। उन्होंने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट, प्रधानमंत्री ने कहा था देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2013-14 में लेटर लिखकर कि किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर उन्हें एमएसपी मिलना चाहिए था। क्या देश के प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर खड़े होकर नहीं कहा था एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी? जब इन्होंने कहा तो आज सरकार वादा खिलाफी हमें करती नजर आ रही है। हम अपने निजी स्वार्थ अपने निजी मुद्दों को लेकर नहीं चल रहे, हम राष्ट्र के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। आज देश के गरीब गुरबे को एमएसपी को हम बताना चाहते हैं कि एमएसपी क्यों जरूरी है। ये काला बाजारों के साथ काला बाजारियों साथ करे हैं, क्योंकि अगर एमएसपी हर चीज पे लागू हो जाएगी, अभी बताया कि किसान उगाता है विशेष विशेष सब्जियां लगाता है, मैं बता देना चाहता हूँ आज हमारा भारत देश जो है तिलहन की खेती, दलहन की खेती और सब्जियों के ऊपर आत्मनिर्भर भारत नहीं रहा, जिसकी परिकल्पना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, बातें करते में नजर आते हैं पर धरातल पे काम करते नहीं रहते, क्योंकि कहीं उनके अडानी अंबानी जैसे मित्रों को कहीं घाटा ना हो जाए, कहीं उन्हें आर्थिक तौर पर कोई नुकसान ना हो जाए। मैं बता देना चाहता हूँ, मुझे बताएं भटनागर जी ईमानदारी के साथ अपने दिल पर हाथ रखकर, क्या आप पाम ऑयल को अपने घर में यूज करते हैं? जब आप नहीं खाते तो देश की जनता को ये गंदा तेल देने की आपके अंदर हिम्मत और जरूरत कैसे हुई? मुझे बताए ये पाम ऑयल खाद्य तेल की श्रेणी में कब और कैसे आ गया? पूरी दुनिया में पाम ऑयल को कहीं भी यूज नहीं किया जाता है, एक भारत देश के अंदर गरीब जनता को गुमराह कर इसके आम तेल के अंदर जो सरसों का तेल है, आपका सोयाबीन का तेल है, जो आपका सनफ्लावर का तेल है, उस तेल के अंदर सरकार द्वारा 20% की अल्टरनेटिव। स्वामी जी समय की कमी है, छोटा सा जवाब लेते हैं, समय की कमी है, छोटा सा जवाब लेते हैं बीजेपी से। भटनागर जी छोटा सा जवाब दीजिए आप, क्या आप शुद्ध पाम ऑयल का तेल खा सकते हैं? तो खाइए, हमें कोई इतराज नहीं, पर देश की जनता की थाली में आपको परोसने का कोई अधिकार नहीं। जहर ठीक है स्वामी, जवाब ले लेते हैं। भटनागर जी जवाब दीजिए 30 सेकंड में। आपने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं तो बहुत तरक से तीर चलाया आपने मगर मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं दे देता हूँ आपके सवाल का जवाब। आपने फौजियों की बात करी, मिड डे मील की बात करी, आपने गरीब जनता की बात करी, किसान उन्हें फ्री में अनाज नहीं देता है, अपनी एमएसपी पे गारंटी पे देता है, अपनी गुणवत्ता के अनुसार पैसे लेता है और सरकार उनको देती है। पहले तो यहाँ एहसान ना जताए। अरे भैया एमएसपी का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, हम लाभकारी मूल्य कब मिलेगा ये बता दीजिए। मूल्य ढूंढ जाइए, आपने करी अभी आपने लोकतंत्र की बात करी कांग्रेस की तरह, लोकतंत्र का मीनिंग पता है आपको? सबसे पहले लोकतंत्र का मतलब सुन के आइए और पढ़ के आइए। अगर लोकतंत्र मानते होते तो पंजाब की सड़क को रोक के ना रखते, अगर लोकतंत्र को मानते होते तो दिल्ली को बंद नहीं करते आप। केंद्र सरकार तो आपके जैगवार मर्सिडीज वाले जो किसान है वो लोकतंत्र की बातें ना करें। ठीक है भटनागर जी, माफी के साथ रोकेंगे आपको। भटनागर जी समय की कमी है, भटनागर जी माफी के साथ रोकेंगे। ये चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही स्वामीनाथ जायसवाल जी थे कांग्रेस से, आपका भी धन्यवाद। स्वामी इंद्र जी थे किसान नेता थे, चर्चा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।